देखिए, नवाब भाई को मेडिकल बेल मिली है 2 महीने के लिए, और स्वाभाविक भी है, उनकी तबीयत बहुत खराब रही है। उनकी किडनी का भी बहुत सीरियस इशू रहा है, ये सब लोगों को मालूम है। और आज 16 महीने के बाद एक हमारे साथी जिनको मेडिकल बेल मिली है, उनको स्वाभाविक है, हमारा कर्तव्य है कि उनकी हम जानकारी ले, उनको मिले, उनको हमारे ओर से जो भी कुछ सहयोग की हम उनको खतरी देवे, और बाकी हमने उनके परिवारजनों को मिले, बस एक अच्छी सदिच्छा भेंट थी। इसके अलावा इसमें कोई भी राजनीतिक अर्थ न जोड़ा, घटनाक्रम है उस पे कोई बातचीत नहीं, जरा भी हमने कोई बात नहीं कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम सब साथ हमको ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज हमारे एक साथी को ऐसे परिस्थिति में हम आकर मिले। सर, कह रही है कि किसी भी तरीके से ज्यादा भीड़ भाड़ न करें, उन्हें रेस्ट करने दें। बिल्कुल, हमारी भी सूचना है। अभी हमने बल्कि उनको यही कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये स्वाभाविक है कि आदमी इतने समय के बाद जब बाहर आता है तो उनके चाहने वालों की, रिश्तेदारों की, सबकी इच्छा होती है कि भाई हम मिले करें। हम भी हमारे साथियों को भी विनती करेंगे कि भाई अब हमने मिल लिया है, अभी सबको आने की जरूरत नहीं है, और उनको रेस्ट मिलना चाहिए और उनकी प्रकृति सुधरे। आखिर वही सबसे बड़ी बात है कि भाई उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, स्वस्थ रहे, यही हम अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।